YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं, विद प्रॉपर स्टॉप लॉस बताएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर गिरावट में बाय करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए इसे बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक्स को होल्ड करना है, क्योंकि इसमें मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल है आगे भी इस स्टॉक्स में, और पीछे भी ये मल्टी बैगर रिटर्न दिया आगे भी दे सकता है, क्योंकि इस अपने सेक्टर की मोनोपोली रखने वाली कंपनियां है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देखिए, निफ्टी में काफी जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, और जो कि मैंने कल ही आपको वीडियो में बता दिया था कि निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर जबरदस्त रैली मिलने का देखने, और वही हुआ है। 17,350 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ था, और यहाँ पर देखिए आज 17,625 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो कितना जबरदस्त ये रैली था। बैंक निफ्टी में तो इससे भी काफी जबरदस्त रैली देखने मिला था। अब हम आते हैं अपने स्टॉक्स पे, तो पहला जो स्टॉक है वो है डिविज लेबोरेटरी, काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है। देखिए अगर यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो देखिए ये ट्रेंड लाइन है जिसपे यहाँ पर ये रिजेक्शन मिला है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं या आप डिप पे बाय कर सकते हैं, और इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखना है, जो 4,360 है इसके नीचे का क्लोजिंग बेसिस आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है, और यहाँ पर जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उसके ब्रेक होने पर आपको बाय करके चलना है, और जो यहाँ पर पहला टारगेट होगा आपका वो होगा 4,970 का, वही जो दूसरा टारगेट होगा आपका वो होगा 5,260 का, वही फिर जो इसमें तीसरा टारगेट आपका आएगा वो होगा 5,425 का, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा। यहाँ पर जो आपको बाय करना है वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही बाय करना है, और जो प्रॉपर आपका टारगेट और स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करना है। फिर यहाँ पर हम बात करें जो दूसरा स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस में हम ट्रेंड लाइन को मिलाते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करता है तो आप बाय कर सकते हैं। वहीं हम बात करें नीचे का जो सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन है वो ये सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन है, तो इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है या आप 6,540 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और यहाँ पर ब्रेकआउट पे ही बाय करना है। देखिए ब्रेकआउट पे बाय करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, तो बजाज फाइनेंस डिविज लैब दोनों काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। वहीं बजाज फाइनेंस में हम टारगेट की बात करें, जो पहला टारगेट आपको लेके चलना है वह है पहला 7,700 का टारगेट रखिए, फिर यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई है उसको टारगेट रख सकते हैं जो कि है 8,060 का। जब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा काफी जबरदस्त होगा, और वहां पर जो टारगेट आएगा आपका वो होगा 9,400 का, क्योंकि ये जो डिप्थ है ये लगभग 1400 का है, तो ऊपर 1400 का ही हम टारगेट लेके चलेंगे। तो ये दो जबरदस्त स्टॉक्स हैं जिसको आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट होने देना है तब बाय करना है। इसका चार्ट मैं शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे भी मैंने दिया था कि इसको ब्रेकआउट पे बाय करना है बजाज फाइनेंस को, जैसे यहाँ ब्रेकआउट होता है, क्योंकि आज काफी जबरदस्त मोमेंटम दिखाया, तो कल हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले यहाँ से या ब्रेकआउट दे, या तो ब्रेकआउट होने देना है फिर से यहाँ ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है तो बाय कीजिए तो काफी अच्छा है, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होगा अच्छे स्टॉक्स में फिर से रिटेस्ट करता है उस लेवल को, फिर जाके मूवमेंटअप करता है। तो ये दो बेहतरीन स्टॉक्स थे जिसको आपको मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बताया और लॉन्ग टर्म के लिए बताया। लॉन्ग टर्म में हर डिप पे बाय करना है, जैसे ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर आए आप बाय कर लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए, निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। देखिए लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आता है, काफी वॉलेटिलिटी देखने मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए बस अच्छे प्राइस पे बाय करके आपको होल्ड करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।